दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी एक्ट्रेस मौजूद हैं जिन्हें एक्टिंग का ये भी नहीं आता और इनको फिल्मों को लोग पसंद भी नहीं करते और उनका करियर फ्लॉप फिल्मों की तरह बॉलीवुड में भी फ्लॉप रहा, लेकिन फ्लॉप फिल्म करियर के बावजूद भी आज ये एक्ट्रेस सुपर लग्जरियस जिंदगी जी रही है। और कुछ ऐसे भी एक्ट्रेस हैं जिन्हें एक्टिंग तो आती है पर उनका करियर बॉलीवुड में नहीं चल सका और इनको फिल्म इंडस्ट्री से दूर जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो ऐसे आराम की जिंदगी जी रही है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में बात करेंगे जिनका फिल्मी करियर तो ठीक नहीं रहा लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी ऐसे आराम से जी रही है। तो आइए ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, गौहर खान। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर वन पे नाम आता है बिग बॉस जी चुकी और पंजाबी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस गौहर खान की। दोस्तों, एक जमाने में गौहर खान बहुत फेमस थी और ना तो गौहर के पास कोई फिल्म है और ना ही कोई रियलिटी शो। इवेंट में परफॉर्म करने के लिए गौहर 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक कमा लेती है। गौहर खान रणबीर कपूर के साथ पॉकेट में रॉकेट फिल्म में काम कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी गौहर खान का करियर फ्लॉप ही रहा। अब गौहर खान फिल्मों से ज्यादा रियलिटी शो में नजर आती है और अच्छी खासी कमाई भी कर लेती है। आपको बता दें कि गौहर खान किसी भी इवेंट में जाने के लिए 6 लाख रुपए तक चार्ज करती है। इसके अलावा अगर उन्होंने इवेंट में जाने के बाद परफॉर्म भी किया तो 12 लाख रुपए चार्ज करती हैं। और तो और दोस्तों, आपको बताते हैं कि गौहर खान बिग बॉस सीजन 40 के बतौर सीनियर नजर आ चुकी हैं, जिसके लिए पर एपिसोड गौहर खान ने 50 लाख रुपए चार्ज की थी। वेल, आपको बता दें कि दोस्तों 2020 में गौहर खान ने टिकटॉक स्टार जैद दरबार के साथ शादी कर ली है। नंबर टू, अमीषा पटेल। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है एक्ट्रेस अमीषा पटेल का। दोस्तों, गदर फिल्म से लाइमलाइट बटोरने वाली और सभी के दिलों के धड़कन बनने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने इस फिल्म से खूब ज्यादा सुर्खियां बटोरी, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में उनका करियर फ्लॉप ही रहा। वेल, भले ही अमीषा पटेल बॉलीवुड के फ्लॉप एक्ट्रेस में शुमार हो, लेकिन उनका एक खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है। साथ ही अमीषा पटेल कई ब्रांड को भी प्रमोट करती हैं और साथ ही वो कई जाने माने ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इससे कि उनके लाखों की कमाई हो जाती है। नंबर तीन, सुष्मिता सेन। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर तीन पर नाम आता है सुष्मिता सेन का। 1994 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी एक्ट्रेस सुष्मिता सेन बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनकी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत कम फिल्मों में काम किया है, लेकिन आज भी फिल्मों में अपने स्मॉल अपीयरेंस के लिए वो लगभग 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। और इसके अलावा सुष्मिता सेन दुबई में ज्वेलरी ब्रांड भी चलाती हैं, जिससे कि उन्हें खूब कमाई होती है। इसके अलावा वो विदेशों में रियल एस्टेट ब्रांड को भी प्रमोट करती हैं। वेल, इसके अलावा ये एक्ट्रेस अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोमन सॉल के साथ रिलेशनशिप को भी लेकर खूब ज्यादा चर्चा में रही हैं। नंबर फोर, आयशा टाकिया। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर फोर पे नाम आता है एक्ट्रेस आयशा टाकिया का। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म टार्जन दी वंडर कार से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत करने वाली आयशा टाकिया का करियर बॉलीवुड में फ्लॉप रहा, लेकिन लाइमलाइट में रहने वाली आयशा ने कोई मौका नहीं छोड़ा। भले ही आयशा टाकिया फिल्मों में फ्लॉप रही, लेकिन उन्होंने अपने लिप सर्जरी से खूब सुर्खियां बटोरी, तो वही उन्होंने कुछ ही फिल्मों के बाद बॉलीवुड को भी अलविदा कह दिया और फरहान आजमी से शादी करके सेटल हो गई। फरहान आजमी कई होटल्स के मालिक हैं और इनके पिता अबू आजमी पॉलिटिशियन हैं, और इसी वजह से आयशा टाकिया एक अमीर और नामी खानदान में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। नंबर फाइव, मलाइका अरोरा। दोस्तों, इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर नाम आता है हॉट एक्ट्रेस मलाइका अरोरा का। वेल, बॉलीवुड में मलाइका ने कई फिल्मों में काम किया है, कुछ आइटम डांस भी किए हैं, लेकिन उनका करियर कुछ खास नहीं चल सका। और अब एक्ट्रेस मलाइका अरोरा कई रियलिटी शो में बतौर जज भी नजर आती हैं, इसके लिए वो काफी मोटा पैसा रकम वसूलती हैं। इसके अलावा कॉमर्स लाइफस्टाइल ब्रांड्स द लेवल लाइफ में भी मलाइका अरोरा के भी काफी ज्यादा शेयर्स हैं। वेल, फिलहाल तो मलाइका अरोरा एक्टर अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं और उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रही हैं, जिसके वजह से वो आए दिन लाइमलाइट की हिस्सा बनी रहती हैं। दोस्तों, यह थे बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्ट्रेस जो फ्लॉप होने के बावजूद भी करोड़ों रुपए कमाते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं। वेल, इन फ्लॉप एक्ट्रेस की लग्जरी लाइफ आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।